के बीच ना वो आई है ना, हम गए तो बुला रही है भाभी आ जाओ आ जाओ, तो जा रहे हैं। अब 5 बज रहे रात के, 12 बजे तक आ जाएंगे। तो ईशा भी नहीं जा रही है, जब उसके पापा जाएंगे तब जाएगी, मैं और ग्रीस जा रही। तो चलो वहाँ चल के बात करते। तो चल दिए, मैंने इनको बोला था जाते हमें थोड़ा छोड़ दो, तो दूसरे की सवारी में जाना अच्छा नहीं लगा, तो इनको छोड़ने के लिए बोल दिया, छोड़ के जाएंगे ये। को देखो यहाँ पे आके कितना मौज मस्ती कर रहा है, साइकिल चला रहा है, भागा दौड़ी। उसका भाई मिल गया ना, उससे मेरे ननद का लड़का, तो बड़ा एंजॉय कर रहा है यहाँ पे। बड़ा सा खुला सा रोड है घर के सामने, ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं है, खेलने में बहुत आसानी है। तो बस जब से आया तब से खेल रहे दोनों भाई मिल के। वो देखो चला जा रहा है उधर को, फिर आ रहा है, वो तो दूर तक जा रहा है क्योंकि उसको जान पहचान रास्ता है, तो दूर जाएगा, वो जाना पहचाना नहीं है ना, तो थोड़ा सा दूर जा रहा है, वापस लौट के आ रहा है, चीज ले रखा है हाथ में। तो देखो बहुत दिनों के बाद थोड़ा खुले हम खेल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कह रहा है मम्मी बड़ा मजा आ रहा है बुआ के घर आके। तो इस तरह से चल रहा है, मेरे गला का पूरा बैंड बजा पड़ा है। भागा दौड़ी करके आया दोनों भाई, प्यास लग गई, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, बार बार आके बुआ को कह रहा है बुआ वो रखा था स्प्राइट रखा था, बार बार दोनों भाई पी रहे थे। मैंने कहा बेटा गला वाला बैठ जाएगा, मेरा तो वैसे ही गले का बैठ बच गया। तो अब देखो खाने पीने की बारी हमारी, रात बहुत हो चुकी थी। इलिश मास कहते हैं इसको, पोटल भजा, इलिश मास भजा मतलब भाजी जो भी कहो इसको, सूप तो कहते हैं बंगाली में, एक आइटम ये है, इसको कहते हैं सरसे इलिश। ये है मटन करी, सैलेड तो दिखाई दे रहा है साइड में, दही भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, फल फ्रूट भी काट के रखा है इसने, खूब सारा आइटम बनाया। ये भी एक आइटम है, इसको टॉक कहते हैं बंगाली में, आम से बनाया, तो खूब सारा आइटम बनाया था। मैंने कहा इतना बनाने की क्या ज़रूरत है, मतलब मैं तो कह रही थी नहीं बनाना, इसके भैया भी कह रहे थे इतना सारा क्यों बनाया। तो बस बहन की मूड है, भैया भाभी को खिलाना है, तो ये हस्बैंड बात कर रहे हैं मेरे, जो नुंदाई है क्या जो भी कहो उनसे। अभी खाना आना खाने की बारी है। तो हम आ गए थे रात को 10-12 बज गए थे घर आते आते, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बुखार आ रहा है बीच बीच में, थोड़ा थोड़ा खांसी भी हो रही है, मतलब खारिश हो रही है गले में, दवाई खा रही हूँ, दवाई से थोड़ा आराम मिल रहा है, फिर दोबारा बुखार आ रहा है।
ऐसे ही चल रहा है, कमज़ोरी सा महसूस हो रहा है हाथ पैर में, ऐसे लग रहा है थकावट सा, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना पाई। मैंने कहा जितना भी बनाया उतना ही अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो फिर देखते तबीयत ठीक हो जाएगी तो बड़ा बनाने की कोशिश करूँगी। तो इसके लिए इतना छोटू सा वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। तो क्रिश का मैगी बन गया, दे देती हूँ, मैगी खाना है उसे। आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे की शाम है, और वो जो कल गए थे, कल मंडे था, उस ननद के घर गई थी मैं। तो चल रहा है ऐसे ही, पता नहीं मैं कब ठीक होंगी, मेरा गला कब ठीक होगा। मेरा गला पूरा बैठ जाता है, बड़ा बुरा हाल हो जाता है, फिर आवाज़ भी नहीं निकलता। अगर ऐसा हाल हुआ तो फिर तो मैं 2-3 दिन तक वीडियो ही नहीं दे पाऊँगी आप लोगों के लिए। देखते कहाँ तक हो पाता है, नहीं होता है तो नहीं होगा, कुछ कर नहीं सकते। फिश को मैगी दे दिया, मुझे लग रहा था मुझे बुखार आने वाला है, तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए दवाई रख के गए थे, तो मतलब कह रहे थे खा लेना बुखार आए तो मुझे लग रहा है बुखार आने वाला है। तो जैसे बुखार आते टाइम ऐसे लगता है धुआं धुआं निकलता है कान में से, आंखों में से, अजीब सा फील होता है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वैसे वाला महसूस हो रहा है मुझे। तो दवाई खा के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उंगलियाँ चटक रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय, फिर मिलेंगे किसी वीडियो के।